सबसे पहले तो जो गद्दी पे संत महापुरुष विराजमान हैं, मैं उनके चरणों में नमन करते हुए उनको अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए, और जो मंचाशील संत महात्मा दूर दराज से आए हुए हैं और जो साध संगत भी दूर दूर से आई है, सभी को गुरु महाराज की ओर से और मंच की ओर से सबको प्यार और आशीर्वाद और सबका विकास। तो देखिए, सत्संग में भी दो तीन विकल्प होते हैं। पहला विकल्प ये होता है कि मनुष्य को पहले स्वयं अपने आप को सुधारना चाहिए, उसे ये देखना चाहिए कि मेरे शरीर रूपी कमरे के अंदर माल बढ़िया भर रहा है या घटिया भर रहा, नंबर दो का माल भरा हुआ है या नंबर एक का माल भरा हुआ है। अगर बाई चांस गलती से भी नंबर दो का माल भरा गया हो तो आप उस नंबर दो के माल को बाहर निकालने की कोशिश करें और नंबर एक का माल अपने कमरे में अपने घर में स्थापित करें, जिससे आपका मानव चोला भी सफल होगा और आपका भविष्य भी और आपका बच्चों का भी जन्म उज्जवल होगा। तो इन चीजों पर ध्यान देना है। वैसे तो देखो, हर व्यक्ति गलती का भरा हुआ होता है, गलती हर किसी से होती है। जो विद्वान होते हैं उनसे गलतियां कुछ कम होती हैं और जो हम तुम जैसे होते हैं उनसे कुछ ज्यादा हो जाती हैं। तो छोटी मोटी गलती पर भी ध्यान ना दे, मगर जो ऐसी गलती हो जो हमारे भविष्य में और हमारे इस चीज में अगर वो बिझण लगा दे, बिझना शुरू हो जाए, तो उससे बचने की कोशिश करें। बताते हैं कि भाई सत्संगत अनमोल है, सत्संगत अनमोल है, मिले न बारंबार, सत्संग सत की नावनी चढ़े से उतरो पार। भाई मैं सात संगत को एक बात और भी बताऊंगा, इस पर भी ध्यान देवो थोड़ा सा जब तक मैं बोल लूंगा। पहली बात तो मेरी कुछ आदत ऐसी है कि मुझे सत्संग सब पहले ही सत्संग में मेरा गला ऑटोमेटिकली खराब हो जावे सत्संग एक दो दिन पहले ही। तो मैं एक बात आपको और बतानी चाहूंगा कि जब तक मैं थोड़ा बोल लूंगा दो चार मिनट, कोई भी व्यक्ति पैसे देने ना आवे, पैसे देन जब आवे, जब मैं क्या कहते प्रवचन बंद कर दूं, जब फिर 100 की बजाय जाए 200 दे दियो, मगर जो है बीच में आना किसी को भी। तो देखिए, कहे कि भाई संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी ये पापी घर भी हो। सुत माने पुत्र, दारा माने स्त्री और लक्ष्मी माने पैसा। ये तो चोर जार के यहाँ भी इकट्ठा हो जाता है, मगर नंबर दो के आदमियों के यहाँ, चोर जार के यहाँ। इस प्रकार का गुरु महाराज का मंच, गुरु महाराज के दर्शन, गुरु महाराज के संतों का आवागमन, ये उनके यहाँ पर नहीं होता है। ये उन्हीं व्यक्तियों के यहाँ पर होता है जो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, जो बहुत ही उत्तम पवित्र होते हैं, जो गुरु महाराज से जुड़े हुए होते हैं और जो हर मानव का हित चाहते हैं, अपने देश का हित चाहते हैं और किसी से भी कोई द्वेषता, जलन, ईर्ष्या और किसी भी प्रकार की निंदा चुगली नहीं करते हैं। तो इन संतों के दर्श पर और इनका श्रेय उन्हीं लोगों को मिलता है। बताते हैं कि ये मानव जीव भी पता किस प्रकार होता है, नुगा जब तक जीव रहे अंडे में, जब तक जीव रहे अंडे में कभी प्रकाश नजर नहीं आता है और बिना शरण सतगुरु के कोई
मोक्ष धाम नहीं पाता है। तो जब तक जीव अंडे में रहता है ना, उधर बाहर की दुनिया का कोई पता नहीं होता है। जब तक मनुष्य नागुरा रहेगा, गुरु के नाम से दूर रहेगा, जिनके पास में गुरु का ज्ञान और शब्द नहीं होगा, तो वो मानव इस प्रकार होगा जिकर अंडे के अंदर एक जीव होता है। और जब वो अंडे से बाहर निकल जाता है तो जब उधर दुनियादारी दिखाई देती है, जब ये चांदना ये प्रकाश जब दिखाई देता है, तो अंडे से बाहर निकलने की कोशिश करो। अंडे से बाहर अपने आप नहीं निकलोगे, आप अगर कोशिश करोगे अंडे के अंदर ही, तो गुरु महाराज आपको बाहर निकाल देंगे। जैसे कि एक पक्षी अपने अंडे को बाहर निकालता है, ऐसे ही गुरु महाराज जी जो है उसको इस अंधकार रूपी संसार से और भ्रम से बाहर निकालता है। तो देखिए, मनुष्य के पास में वैसे तो समय भी बहुत ही कम होता है, इसीलिए कहा थोड़ा कहना और ज्यादा समझना। कि गुरु रविदास जी ने भी कहा है कि ऐसा चाहूं राज में भाई मिले सबन को अन्न, और छोटे बड़े संबस हैं रविदास रहे प्रसन्न। तो रविदास जी भी चाहते थे कि समानता हो, भाईचारा हो, प्यार हो, बंधुता हो, तो जब इस मानव का कल्याण हो सकता है। और दूसरे में बता है कि सेवा सुमरण प्यार करो, सेवा सुमरण प्यार करो और करो कुछ दान, जो नित शरण रहे सतगुरु की तो सच्ची भक्ति जान। सेवा करो, तन से करो, मन से करो या धन से करो, जैसे भी होती हो करो। फिर सबको प्यार करो, अपने घर में अपने बच्चों में प्यार होना चाहिए, और अपने फिर परिवार में, पड़ोस में, मोहल्ले में, गांव में प्यार होना चाहिए। जहां तक भी हम जाएं वहां तक प्यार ही होना चाहिए। क्योंकि बताते हैं प्यार ही सबसे बड़ी चीज है, सेवा ही सबसे बड़ी चीज है। और सेवा और प्यार कब होगी? जब इंसान के अंदर का अहंकार, अज्ञानता, मान बढ़ाई, जब वो इसको खत्म कर लगा, तो जब उसके अंदर प्यार बनेगा। जब तक मान बढ़ाई रहेगी तो झूठी बात में भी 2 घंटे तक लड़ो जाएगा, झूठी बात में भी 2 घंटे तक लड़ो जाएगा, अपनी बात को बड़ी करने की कोशिश करेगा। भाई अब बापा जी का अगर खुश हो गए, अब तो मैं पर भी निलावेंगे, पर भी भाई बैठ जाओ, खाने तैयार है, भोग भी लगा रखा, आराम से बैठ जाओ, ही कोई दिक्कत नहीं होगी, ही कहीं बैठ जाओ, हड़बड़ाओ मत। अरे वैसे भी तो नहाते हो तुम, नहाते नहीं कहते कभी, तो फिर अगर आप तुम मालिक के नुआए नहा लोगे तो क्या हो जाएगा भाई? तब रोज नहीं नहाते, बैठ जाओ शांति से, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारी खाने की व्यवस्था कराते हैं और हम आरती बोलते हैं, कहने सुनने की बात तो बहुत थी, मगर ठीक है, थोड़ा कहना और ज्यादा समझना है। खा भाई आरती बुलवा दो तुम, चलो जय गुरु जल कहा घर भाई 10 तारीख का आने वाली ना,